सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को साफ व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है भदोही जनपद सुरिया ब्लॉक के चकवेदिक गांव में पिछले 2 माह से हैंडपंप खराब होने के कारण गीता देवी सहित 100 लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह दिक्कत वह है 2 महीना से हमारा सबका हैंडपंप बिगड़ा हुआ, पानी की समस्या वह है, पानी बदे हम सब हैराने जा जाते हैं, पानी आने सुअरियों को दिक्कत होता है, डाले बदे पानी मनयों को पिए बदे दिक्कत होता है, नहाए बदे दिक्कत होता है, पानी के हम सबको बहुत दिक्कत बा, पानी हम सब बहुत दूर से ले आत है, गेहूँ काट काट के आत है तो दोपहरिया जा जाता है पानी आने, अब बहुत दिक्कत बा हमें सब पानी खाना बनावे के पानी पिए के हैंडपम्प बनावे के प्रयास कर गए। हाँ प्रधान की है जात जात गए, प्रधान होते नहीं हैं बनवाए तो का कर मिस्त्री ना भेजा था न मनाए अपना ही आवाज जात जाते हैं। का दिक्कत बा आपकी गाँव में? दिक्कत बा नल खराब बा और नल में ऐसा मकसद दूसरा मनाई है पिए के पानी बड़ी परेशानी बा, एक बार गाँव सब जाते हैं पानी पिए तो आदमी सब कहते हैं हमारे नल दिन आव हमारा नल खराब हो जाए हमहूँ सब परेशान हो तू सब अपन जुगाड़ बनवा जाए, अब कितना दाए प्रधान से कहे प्रधान कहते हैं हाँ बन जाए बन जाए 2 महीने से नल खराब है बनता ही नहीं। माई और मैं समझा चाहता है कि इस हैंडपम्प को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए ताकि इन सबकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप लोग सुरियां ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 94 44 51 25 पर कॉल कर दबाव बनाए। मैं अनिल कुमार भदोही उत्तर प्रदेश से इंडिया नट के लिए।